सब्सक्राइब चैनल एंड द गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सत्तार खान थ्री पॉइंट वन वाई वार्मिंग आप चिटचैट इस एक्टिविटी के साथ हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं उम्मीद है आप आपको पिछले वीडियो पसंद आए होंगे हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चलिए शुरुआत करते हैं इस पोएम को पढ़ते हैं समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले चिटचैट वाई डू वी आस क्वेश्चन सबसे पहले आपसे सवाल किया जा रहा है कि आप सवाल क्यों करते हैं क्यों करते हैं हम सवाल आज के क्वेश्चन इज़ दिपलेस्ट एंड मोस्ट इफ़ेक्टिव वे ऑफ लर्निंग यानी सवाल पूछना क्या है ये सबसे आसान तरीक़ा है सीखने का इट डेवलप द क्यूरियासिटी एंड सो तो वी आस क्वेश्चन टू गेट इन्फॉर्मेशन एंड गेन नॉलेज ये क्या करता है हमारे अंदर तजस पैदा करता है ताकि हम कोई चीज़ें सीखें सवाल पूछ कर और इल्मिल करें डो वी गेट आंसर्स टू ऑल कोश्चन्स क्या हमको अपने तमाम सवाल के जवाब मिल जाते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम वी गेट आंसर्स टू ऑल कोशन्स ज़्यादातर वक्त में हमें हमारे तमाम सवाल के जवाब मिल जाते हैं बट समाइम्स वी डो नॉट गेट एन आंसर इफ़ आर क्वेश्चन इज़ कन्फ्यूजिंग डिफ़िकल्ट इ लॉजिकल कई अवत ऐसा होता है कि हमें अपने हमारे सवाल के जवाब नहीं मिलते जब वो गैर मुंत होते हैं हाउ आर क्वेश्चन यूजफुल इन आर लाइफ यानी हमारी जिंदगी में सवाल कैसे फायदेमंद होते हैं मेनी ग्रेट थिंकर्स हेमराज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग एज इट हेल्प्स टू अस गेटिंग इन टू दैबिट ऑफ सेल्फ रिफ्लैक्शन इट हेल्प्स टू गन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इट आल्सो हेल्प अस टू मेक सम वन स्पीक एंड स्टार्ट कन्वर्जेशन सो दे आर इम्पॉर्टेंट टू गेन नॉलेज एंड ऑल्सो स्टार्ट कम्युनिकेशन विद अदर्स इन्हें बहुत सारे जो अजीम फलसफ़ी है फलसफा सुनने वाले हैं, सोच विचार करने वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं इन इंफॉर्मेशन बातचीत करके ही हासिल करते हैं इल्म हासिल करने का एक ज़रिया होता है बातचीत और उससे वो हासिल करते हैं डू वी थिंक क्रिटिकली विद क्वेश्चन क्या सवालत ना पूछे पूछे जाए तो हम बारिकबी से ग़ौर कर सकते हैं If someone puts question in front of us, we start thinking critically before answering. We never think critically unless and until questions are asked. हम बारिक बीनी से जायजा नहीं लेंगे जब तक से जब तक कि हमसे सवाल ना पूछे जाए विच फाइव डब्ल्यू एच वर्ड्स आर यूज टू फ्रेम क्वेश्चन कौन से डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं जिनसे हम सवाल कर सकते हैं अब आप पांच बोलिए या सात बोलिए जैसे कि वाट वैर वैन वाई हाउ विच होम हु ये सब क्या है डब्ल्यू एच वर्ड से जिससे हम सवाल करते हैं चलिए यहाँ पर एक सवाल दिया गया है वाई डू पिंग्स लिव इन पोलर रीजन ऐसे ही पाँच सवाल और बना सकते हैं वाई डू वी स्टडी इंग्लिश वाई डू वाइल्ड एनिमल्स लिव्ड इन द फॉरेस्ट वाई इज देअर नो आई सीन अ डिजर्ट वाई डोंट वी विजिट ऑल द कंट्रीज इन आर लाइफ वाई शुड वी हेल्प ओनली द पुअर एंड नॉट द रिच वाई कान द सी वाई कान दी सी यानी वाई यू कम लेट वाई डिड यू आर डूइंग दिस टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स ऐसे बहुत सारे हम सवाल कर सकते हैं अब ये एक क्वेश्चन uh, बनाने का तरीक़ा है यहाँ पर मुंबई एक आंसर uh, आना चाहिए तो यहाँ पर Uh, आपको एक वर्ड लिखना है तो आप पूछ सकते हैं मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र ऑन एस बी रोड इज़ योर स्कूल लोकेटेड वेयर इज़ योर स्कूल लोकेटेड नेक्स्ट मंडे इज़ योर एग्जामिनेशन गोइंग टू बिगिन व्हेन इज़ योर एग्जामिनेशन गोइंग टू बिगिन स्लोली डज द ओल्ड मैन वॉक हाउ डज द ओल्ड मैन वॉक

हैव यू borrowed? तो आप क्या कहेंगे हैव यू बारोड चलिए शुरुआत करते हैं वाई वाई का मतलब क्या होता है जैसे कि वर्ट का मतलब क्या है तो भाई का मतलब क्यों ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है क्वेश्चन मार्क है सवालिया निशान है चलिए इससे शुरुआत करते हैं समझने की कोशिश करते हैं आई नो क्यूरियस लिटल बॉय अब यहाँ पर क्या कहता है आई नो अस लिटिल बॉय मैं जानता हूँ एक बहुत ही तजस रखने वाले छोटे लड़के को हु इज ऑलवेज आस्किंग वॉय जो हमेशा सवाल करते रहता है क्यों वाई दिस वाई डैट वाई देन वाई नाव वाई नाट वाई वाई बाय एंड बाय वो कहता है वाई दिस ये क्यों वाई डैट वो क्यों वाई देन तब क्यों वाई नाव अब क्यों वाई नाट क्यों नहीं वाई बाय एंड बाय क्यों बाय बाय ही वांट्स टू नो हाई वुड शुड सिम वो जानना चाहता है कि लकड़ी तैरती क्यों है वे लीड एंड मारबल्स सिंक और जस्ट और लीड एंड मार्बल्स ये क्या है लीड एंड मारबल्स सिंक हो जाते हैं यानी डूब जाते हैं अब ये मार्बल्स आम तौर पर कंचों को भी कहते हैं यानी गोटियों को भी कहते हैं या फिर संगे मार मार के पत्थर को भी आप कह सकते हैं गार गोटो को भी कह सकते हैं तो ये डूब क्यों जाते हैं वाई स्टार्स शुड शाइन एंड विंड्स ब्लो वो क्या कह रहा है कि क्यों चाँद चमकते हैं क्यों तारे चमकते हैं और हवाएं बहती है ब्लो यानी बहती है एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक और हम खाते पीते क्यों हैं अब यहाँ पर एक अजीब सा सवाल है वाई वी ईट एंड ड्रिंक क्योंकि अगर हम खाएँगे पियएंगे नहीं तो ज़िंदा कैसे रहेंगे ही वॉन्ट्स टू नो वट मेक्स द क्लाउड और वो जानना चाहता है कौन सी चीज़ें बादल बनाती है एंड वाई दे क्रॉस द स्काई और वो हवा आसमान में क्यों तैरती है आसमान में क्यों इधर से उधर जाती है वाई सिंग्स द सन बिहाइंड द हिल्स और वाई सिंग्स दन बिहाहैाइंड दिल्स और सूरज क्यों गुरूब होता है सिंक्स यानी डूबना अब यह सन सेट के बजाय सिंक इस्तेमाल किया है सिंक्स द सन बिहाइंड दिल्स यहाँ पहाड़ियों के पीछे सूरज क्यों डूबता है एंड वाई द फ्लावर्स डाए और फूल डाई यानि मर जाते हैं यहाँ मुरझाने के लिए बजाय मर जाना इस्तेमाल किया है ही वॉन्ट्स टू नो भाई विंड शुड कम और वह जानना चाहता है कि हवा क्यों आती है फ्राम आउट द बेलोज नोज और वो धोखनी की नोज यानी नाक से किनारे से क्यों आती है वह पॉप गंस शुड गो पॉप एंड भाई और वो क्या कहता है वह पॉप गम पॉप गन क्या होती है ये खिलौने की बंदूक है शुड गो पॉप एंड भाई इसमें से जो खिलो एक ढक्कन निकलता है ये अक्सर इस्तेमाल करते हैं द ओशन एप्स एंड फ्लोज अब ओशन यानी कि बड़े समंदर में एप्स जज मद्दो जज़र निकलता है पानी उतरता है चढ़ता है तो एब्स कहते हैं पानी के उतरने को उतरते पानी को लो टाइट को कहते हैं फ्लोज़ यानी बहना ही wants टू नो why फ़िश हैव ग्रिल्स और वो जानना चाहता है ही wants टू नो why फ़िश हैव गिल्स वो जानना चाहता है कि मछलियों मछलियों को गल फड़े क्यों होते हैं गिल्स यानी गल फड़े ये मछली का जो तनफसी अजू होता है उसे गलफड़ा कहते हैं जिससे वो सांस लेती है एंड वाई बॉयज़ कैन नाट फ्लाई और वो कहते हैं कि लड़के उड़ क्यों नहीं सकते वाई स्टीम्स कम्स फ्राम द केटल्स स्पाउट स्टीम यानी भाप केटल्स स्पाउट यानी केतली की जो नोक होती है टूटी होती है उसमें से भाप क्यों आती है ये सवाल किया जा रहा है एंड रेन फॉल्स फ्राम द स्काई और बारिश गिरती है आसमान से ही वॉन्ट्स टू नो वाई कोल शुड बर्न वो जानना चाहता है कि कोयला बंद अज... कोयले को जलना क्यों चाहिए ही टू नो वाई वाई कोल शुड बर्न वो जानना चाहता है कि कोयला जलता क्यों है एंड नॉट अ बिट ऑफ स्टोन और इसके बाद बल्कि कोल यानी कोयला जलता है लेकिन कोई पत्थर नहीं जलता हाउ सीड्स गेट इन द एप्पल कोर और जो सीड्स यानी कि जो बीज होते हैं वो एप्पल यानी सेब के बीज का हिस्सा कोर यानी ये या, ख़र जो होता है दरमियान का हिस्सा उसे कहते हैं कोर ही हाउ सीड्स गेट इन द एप्पल कोर एंड मैरो इन द बोन और मैरो मैरो ये बोन मैरो कहते हैं ना जो गूदा होता है हड्डियों का गूदा होता है तो उसे कहते हैं बोन मैरो तो यहाँ पर ये हड्डियों के गूदे के अंदर जो है गूदा जो है हड्डियों के अंदर क्यों चला जाता है ये भी पूछ रहा है हाउ सीड्स गेट इन द एप्पल कोर एंड मैरो बोन और गूदा हड्डियों में कैसा चला जाता है ये भी वो पूछ रहा है कौन पूछ रहा है ये बच्चों के सवाल होते हैं और हर एक इंसान को ऐसे सवाल करने चाहिए ताकि ताकि अपने नॉलेज में इजाफ़ा हो सके ही वान्ट टू नो वाई आइस शुड मेल्ट वो जानना चाहता है कि बर्फ़ क्यों बर्फ़ क्यों पिघल पिघलना चाहिए ही वॉन्ट्स टू नो वाई आइस शुड मेल्ट मेल्ट यानि पिघलना वाई स्पाइडर्स ईट द फ्लाइज और मकड़ियाँ मक्खियों को क्यों खा जाती है स्पाइडर यानी मकड़ी Fly यानी मक्खी Why bees should sting and why the yeast? अब यहाँ पर bees क्या है ये शहद की मक्खियों को कहते हैं Sting यानी भिन भिनाना अब वो क्या कहते हैं Why bees should sting and why the yeast? और yeast ईस्ट के मैंने फूल जाना और फूल जाने के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है अक्सर हम देखते हैं कि आटों को गूंद कर रखने के बाद में आटा फूल जाता है बाज़ अव उसमें खमीर उठ जाता है तो खमीर ही ईस्ट को कहते हैं शुड मेक द डॉस टू राइज अब ये डव क्या है ये आटा जो होता है जैसे हम अब डोनट बोलते हैं तो डोनट जो होता है यानी कि जो एक किस्म की आटे को फुला कर सेक कर उसमें मिठाई डालकर जो बनाया जाता है उसी को जो यहाँ कहते हैं लेकिन यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे ड डव के मैंने थिक मिक्सचर ऑफ फ्लोर वाटर एक्सेट्रा रेडी टू बी बेक्ड इन टू ब्रेड यानी गूँधे हुए आटे का पेड़ा जिसे हम आ, आ बेक कर सकते हैं जिसे हम भून सकते हैं सम ऑफ़ हिज व्यवज़ आर नॉट टू हार्ड यानी इसके जो आ, कुछ वाइज थे यानी क्यों थे वो इतने मुश्किल भी नहीं थे पूछी गई चीज़ें टू आंसर इफ़ यू विल ट्राई कि अगर आप कोशिश करेंगे तो इसके जवाब दे सकते थे बट अदर नो वन एवर येट लेकिन कुछ लोग उसे बिल्कुल भी नहीं जवाब दे सके हैज़ फाउंड द रीज़न भाई और उन्हें उसकी कोई वजह ही नहीं मिल सकी और पता नहीं उन्हें वो वजह क्यों नहीं मिल सकी उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी खुदाफिज़